नमस्ते, मैं हूं मानवी और आप देख रहे हैं द लोकनीति डॉट कॉम। आज हम बात करेंगे पीएम मोदी के भाषण में आतंकवादियों को चेतावनी देने के मुद्दे पर। जी हां, महाराष्ट्र के पीपल गांव में पीएम मोदी ने भाषण दिया जिसमें उन्होंने आतंकवादियों को चेतावनी दी है और साथ ही उन्होंने विपक्ष को इस मुद्दे पर घेरा है। जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश की साख आज नई ऊंचाइयों पर है, ये सब कुछ जनता के आशीर्वाद और उनके सहयोग से हो पाया है। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से पहले देश की स्थिति थी कि पुणे में, मुंबई में कहीं भी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता था। उस समय कांग्रेस की सरकार ने क्या किया, लेकिन आज किसी भी स्थान में बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो आतंकियों को यह डर लगा रहता है कि पीएम मोदी उन्हें पाताल से भी खोज कर सजा देंगे। पीएम मोदी ने अपने भाषण में आतंकवादियों की कड़ी निंदा की। ऐसे में क्या मान लिया जाए कि पिछले 5 साल में पीएम मोदी ने केवल एकमात्र सफलता प्राप्त की है, क्योंकि भाषण शुरू भी वहीं से होता है और खत्म भी उसी में होता है। 2014 से 2019 के बीच उनके वादे उनके भाषणों से गायब हैं, जो कि या तो 100 दिन तक पूरे किए जाने वाले थे या तो कार्यकाल तक उनसे वे निपटने वाले थे। ये प्रश्न आप अपने आप से भी पूछिएगा और आसपास के वोटों के ठेकेदारों से भी पूछिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लोकनीति चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।